गाइस हम लोग पहुंच गए होंडा की शोरूम में। देखो गाइस गाड़ी है, देखो होंडा क्रेटा व्हाइट कलर में और ये तो वेन्यू खड़ी है। पसंद किया है, एस ऑप्शनल प्लस है। उसमें वो है, सनरूफ है, सनरूफ है ना। बाकी सेम है, बाकी सेम है, गाड़ी सेम रहेगी। ये टॉप में मॉडल है आपका, वेन्यू में मैनुअल में गाड़ी। तो गाइस गाड़ी तो हमने देख ली, अब डिटेल ले रहे हैं भाई उसकी कॉस्ट की और क्या क्या डिस्काउंट हमें मिलने वाला है भाई, है ना भाई। हेलो जी गाइस, कैसे हो आप लोग सब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यहाँ पर ये सानवी को देखो गाइस कैसे लेट की हुई है, सोफे की ऐसी तैसी कर दी इसने। यहाँ देखो ये देखो खाली बोतल लगा रहे हैं मुंह पे। तो गाइस अभी नाश्ता करना बाकी है, नाश्ते में क्या बन रहा है हमारे लिए? मैगी। ये और कौन सा मैगी है? अंडा मैगी। अंडा मैगी ये नेपाल वाला है क्या? नेपाल वाला। तो गाइस नेपाल वाला जो नूडल्स है ना वो बन रहा है, अभी खा लेते हैं भाई। टाइम काफी हो चुका है, टाइम हो गया भाई 10:30 बज चुके हैं और मुझे निकलना है भाई, शोरूम जाना भाई, कार के शोरूम में जाना है भाई। तो गाइस ये बन गया मेरे लिए भाई नूडल्स और साथ में भाई अंडा, और सानवी भी आ गए भाई अपनी जगह पे। देखो ये जगह ना इसने कब्जा कर रखा भाई, तो सानवी भी खा रही है भाई अंडा मैगी। तो चलो गाइस नाश्ता करते हैं और मुझे फिर निकलना है भाई होंडाई के शोरूम में। अभी जा रहा हूँ मैं बाइक से भाई, ये अपनी बाइक खड़ी है भाई पीछे, एंड भाई इसमें चलेंगे भाई और जाना है मुझे होंडाई के शोरूम में। और हमारा होंडा का शोरूम जो है ना ये हमारे घर से जाए 10 से 15 किलोमीटर दूर है भाई, हरिद्वार बाईपास रोड में, वहाँ जाना है और वहाँ गाड़ी चेक करने का। आपके भाई गाड़ी देखने के लिए जा रहा है फिलहाल, अभी देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी देखते हैं वहाँ जाकर। एंड होंडा की गाड़ी सबसे अच्छी रहती है, वैसे बिल्ड क्वालिटी में ना ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड अपनी ये टारजन है भाई सुजुकी की, अभी देखो पूरी कवर है भाई यहाँ पर। निकल गया हूँ मैं, एंड गाइस आप शोरूम में ना इतनी भीड़ होगी ना भाई, क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है भाई और दिवाली में जो है ना भाई ऑफर दे रहे हैं भाई। तो भाई होंडा की वैसे तो गाड़ी कौन सी है, एक तो भाई क्रेटा है भाई, एक वेन्यू भाई एक्सयूवी में, और एक ऑरा है भाई, और एक i20 है भाई, और एक i10 है भाई। और बस चलो देखते हैं वहाँ जाकर भाई कौन सी गाड़ी भाई समझ में आती है भाई। एक भाई मारुति की भी ठीक है भाई, ब्रेजा भी थोड़ी सी ना हाइट वाली है भाई, क्योंकि ना हमारे देहरादून की जो सड़कें हैं ना गाइस तुम्हें पता है जगह जगह गड्ढे और बरसात में बुरा हाल हो जाता है भाई। तो छोटी गाड़ी जो है ना भाई वो नीचे लग जाती है भाई, जैसे कि i10 वगैरह तो नीचे भी लग जाती है। स्विफ्ट थोड़ी सी ठीक ठाक है, स्विफ्ट मतलब इतनी लगती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हाइट वाली गाड़ी होगी जैसे कि भाई क्रेटा वेन्यू और ब्रेजा टाइप के, इनमें से कुछ देखते हैं भाई जाके। सो गाइस हम लोग पहुंच गए भाई होंडा की शोरूम में, एंड अपनी बाइक वहां पर पार्क कर दी है। एंड यहां से आर के भाई हर्ष भैया आर के भाई हमारे साथ में, और हम जा रहे भाई सीधा होंडा के शोरूम में गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी देखो होंडा क्रेटा व्हाइट कलर में, और ये तो वेन्यू खड़ी है, और ये ब्लैक कलर में भाई है, ये भी मस्त लग रही है ना कांडी ब्लैक कलर में है, ये कलर सही लग रहा है वैसे। ये व्हाइट कलर में ये क्या ऐसा है क्रेटा, ये क्रेटा लग रही है भाई, ये भाई डिलीवरी जा रही है भाई किसी की नई गाड़ी। सो गाइस भैया लेके आ गए मैं पीछे यार्ड में, यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी है भाई। गाइस ये चेक करो गाइस, तवा की गाड़ी खड़ी है भाई यहाँ पर, वो वहाँ तक है भाई। अब दिवाली का सीजन चल रहा है ना, तो दिवाली में तो काफी जा रहे होंगे भैया ना। बिल्कुल भैया, बहुत आजकल हर रोज ही हो रही गाड़ी वगैरह ना। तो ये कौन सी वरना है, नई वाली? ये नई वाली वरना है, पुरानी वाली भी बढ़िया लगती थी आगे से। कौन सी वरना? हाँ पुरानी वाली वरना बढ़िया थी भाई, मैं भी वही लेने गया था, बट सपोज वो ले नहीं पाया, उसके चक्कर में स्विफ्ट लेके आ गया मैं। सनरूफ वाला मॉडल की है, नॉन विदाउट सनरूफ, दोनों दिखा दो जो सही पड़ेगा, सनरूफ वाला भी दिखा दो। अब बेस से छोड़ के ना बेस से ऊपर वाला मॉडल, बेस से ऊपर वाले जो होते हैं जिसमें वो चीज दिख जाए, हमसे फीचर भी हो। ठीक है, बेसिकली HX ये टॉप में मॉडल है आपका, वेन्यू में मैनुअल में गाड़ी, मैनुअल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ जाते हैं वेन्यू में बेस मॉडल से। बाकी आपका इसमें फीचर्स, चारों पावर विंडो हो गया सर, अच्छा साइड मिरर आपके अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल हो गए, ठीक है सर। आपकी ड्राइवर साइड सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल हो गया, स्टीयरिंग पे आपके ऑडियो ब्लूटूथ कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग आपका टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, केवल आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी आगे पीछे ऐसा वाला नहीं है। बाकी इसमें कुछ बटन स्टार्ट स्टॉप हो गया आपका, 8.25 इंच का टच सिस्टम, साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, ठीक है जी। आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, डिजिटल क्लस्टर हो गया इसका, ठीक है जी। आपको सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है इसमें वेन्यू में, आपका बटन यहाँ से इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है, रियर में बात करें, रियर में आपको AC के वेंट चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बैक साइड में जो है ना वो वहाँ पर में आपको AC के वेंट चार्जिंग पोर्ट हो गया, आपका पावर लाइन हो गया, वेन्यू में जो आपकी कनेक्टेड टेल लाइट आती है वो हो गया, ठीक है सर। रियर पार्किंग कैमरा हो गया, साथ में 2 सेंसर हो गया आपके, ठीक है जी। का बूट स्पेस हो गया सर आपका, तकरीबन 393 लीटर का बूट स्पेस हो गया, अंदर ही आपकी इसमें अपनी जैक वगैरह सब कुछ है। पीछे की सीट आपकी 60-40 ऑप्शन आता है इसमें, इन केस अगर आपको जैसे कभी 3 लोग ही जा रहे हैं, सामान ज्यादा है, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं सर,
ये जैसे ये पूरी सीट आपकी आगे हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, फोल्डेबल है। दोनों में से कोई भी सीट आप फोल्ड कर सकते हो। बूट स्पेस बढ़ जाएगा इसका, बूट स्पेस बढ़ जाएगा इनके जैसे। ये कौन सा एसएक्स? ये एसएक्स मॉडल है आपका। इससे एक नीचे भी आता है एस, इससे नीचे एस ओ आता है सर आपका। एस ओ एस ऑप्शनल आता है इससे। इसमें सनरूफ है ना? इसमें सनरूफ है। नॉर्मली जो एस ऑप्शनल आता है उसमें आपको एक तो सनरूफ नहीं मिलता है, दूसरा उसमें एसी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मैनुअल वाला मिलता है, ठीक है जी। तीसरा उसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता आपको। चौथी चीज उसमें जो साइड मिरर है आपके अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बस फोल्डेबल ऑप्शन नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है जी। वो है तो दिखाना वाला भी दिखा देना है जी, जी। एक तो ये दिखा दिया आपने, टॉप भी तो होगा। ये टॉप खड़ा है क्या? ये टॉप ये वाला है सर आपका। कौन सा टॉप है? ये टॉप है, ये टॉप है। टॉप में अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, अलॉय व्हील नहीं आते पेट्रोल में आपके। अच्छा टॉप में अलॉय व्हील नहीं है पेट्रोल में, वो वाली में आते हैं जो डीजल में नहीं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में आते हैं। अच्छा बाकी जो नॉर्मली आती है 1.2 ये वाली, इसमें आपके नॉर्मल वाले में अलॉय व्हील नहीं आते। ये भैया ने दिखाया है एसएक्स वेरिएंट, जिसमें कि भाई भैया कह रहे टॉप है लेकिन इसमें अलॉय व्हील नहीं आ रहे हैं। अब जा रहे हैं दूसरा वाला, ऐसे ऐसे है वो, कौन सा है वो? इससे नीचे एस ऑप्शनल आता है, इससे नीचे भाई एस ऑप्शनल आता है, वो वाला चेक करते हैं। ये आपका एस ऑप्शनल है सर पेट्रोल में 1.2। इसमें सनरूफ नहीं है? इसमें सनरूफ नहीं है, नॉर्मल वाली एस ऑप्शनल है। और एक अभी कंपनी ने कुछ एक दो महीने पहले एक इसमें तो अलॉय व्हील इसमें भी नहीं है ना, मतलब अलॉय व्हील आते नहीं सर, ये पेट्रोल पेट्रोल में अलॉय व्हील ही नहीं है केवल आपका। इससे बैक लुक है यहां का डीजल में, बाकी फीचर सारे सेम है। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने आपको बताया, कुछ कुछ चीजें अंदर का इंटीरियर तो सेम लग रहा है। पुश बटन नहीं है इसमें आपका, पुश बटन नहीं है। एक्स्टर है जी। ये कौन सा मॉडल है? बेस है टॉप लग रहा मुझे ये सर आपका। सनरूफ है इसमें? एसएक्स वेरिएंट है, बीच वाला वेरिएंट है आपका ना। ये तकरीबन पेट्रोल में 9,77,000 रुपए का ऑन रोड स्टार्ट होता है, तो वेन्यू से कम बजट में ही है। हाँ वेन्यू से थोड़ा सा कम बजट में, ये आपका माइक्रो एसयूवी सेगमेंट है, वेन्यू आपका कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है ना। अच्छा चलो इसको देखते हैं फीचर्स वगैरह। फीचर्स वेन्यू के टॉप मॉडल में आते हैं वही आते हैं इसमें, फीचर सारे वही है ना। बैक साइड से गाइस ये एसएक्स वेरिएंट है जो भाई उसमें देखा ना हमने अभी वेन्यू में, वही वाला एसएक्स। ये डीजल है पेट्रोल है भैया? पेट्रोल में आती है सर, इसमें बस पेट्रोल और पेट्रोल प्लस सीएनजी दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। पेट्रोल प्लस सीएनजी, डीजल नहीं आता, डीजल नहीं आता सर इसमें। थोड़ी हाइट इससे क्या है, वेन्यू से ऊंची क्या है? नहीं नहीं वेन्यू से हल्की नीचे है सर, ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट है आपका, वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह वेन्यू का इससे हल्का ज्यादा है। व्हाइट आपने देख दिया सामने कलर, हाँ ठीक है सर। एक मैंने देखा था नेट पे फुल ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ये आता है सर आपके इसमें वेन्यू में ना, ये पूरा ये ब्लैक है, ब्लैक कलर है ये आपका जी, ये पूरा ब्लैक है। ये डीजल वेरिएंट है, ये डीजल में होगा, इसमें अलॉय व्हील लगे हुए, डीजल है आपका एसएक्स वेरिएंट है डीजल, तभी इसमें अलॉय व्हील लगे हुए जी। तो गाइस गाड़ी तो हमने देख ली, अब डिटेल ले रहे हैं भाई उसकी कॉस्ट की और क्या क्या डिस्काउंट हमें मिलने वाले हैं भाई, है ना भाई। दिवाली चल रही है भाई तो हमें गाड़ी भी तुरंत उठानी है। ब्लैक कलर से ले रहे व्हाइट जा रहे हैं? ब्लैक ब्लैक वाली, ब्लैक माफिया। अरे भाई हम लोग सिंपल लोग, हम तो व्हाइट ही लेते हैं, ब्लैक अलग है थोड़ा यूनिक ले लें हर बार, वाइट वाइट वाइट। चलो अभी देख चेक करते हैं ना। तो गाइस हमने यहाँ पे कोटेशन ले लिया है गाड़ी का, अंदर बैठ के चेक करते हैं। ये है भाई, ठीक लग रही है गाड़ी अंदर से, एंड चेक करो इसमें टच टच भी इसमें है ना। ये कौन सा मॉडल है भैया वाला? हाँ जी ये कौन सा वाला? ओ मॉडल है सर, एस ऑप्शनल है आपका। एस ऑप्शनल मतलब बेस? नहीं नहीं सेकंड टॉप वाले ही समझिए आप, इसमें सनरूफ नहीं है, पसंद किया है एस ऑप्शनल प्लस है, उसमें वो है टच है, पावर स्टीयरिंग सारा है, टिल्ड आईडी पार्किंग सेंसर सब है, पीछे का आगे तो ठीक लग रहा है इसमें स्पेस, पीछे पीछे है स्पेस सही है भैया, देख ना बैठे पीछे तो देखो पीछे, यार मैं तो पतला आदमी हूँ मैं तो आ जा रहा सही, अच्छी खासी पीछे हो रही है ये वाली सीट ना, है ये वाली पीछे हो रही है ना, बहुत बहुत पीछे जा रही है, तो देखना चेक करना देखो ठीक है। यहाँ पे एसी कंट्रोल भी दे रखा ना इसमें, उसमें भी है ना जी जी जी, और इनमें ये चीज है ना तीनों में, ये हेडरेस्ट है, ये बढ़ाने का है बस, आम रेस्ट नहीं है इसमें, एडजस्ट तीनों में दे रखा है, तीनों में एडजस्ट वाला है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, एडजस्ट वाला है आपके तीनों में, ठीक है। पांच जने आ जाएंगे इसमें आराम से, 60-40 उधर का 60 सीट है, ठीक है ये यार बढ़िया है, स्पीकर वाइज भी है, पावर भी है। यहां से चेक करो गाइस कुछ इसका ऐसा है भाई डैशबोर्ड, ये है भाई नई वेन्यू। सो गाइस यहां हमने चेक कर लिया भाई और रेट भी ले लिया भाई, एंड यहां पर हमको दिखे भाई ये देखो चेक करो गाइस, ये है भाई कौन सी भाई, ये BMW गाइस, ये देखो भाई लोगो BMW का, एंड आगे से फ्रंट ग्रिल देखो इसका भयंकर लग रहा, और ये हो रही है भाई यहां पर चार्जिंग, मुझे लग रहा है भाई होंडा के मालिक की होगी। वेन्यू समझ में आ रही है ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, अभी देखते कंफ्यूजन है
दोबारा आएंगे भाई यहाँ पर, हम अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भाई। तो गाइज अभी पहुंच गया था भाई घर पे। एंड गाइज वेन्यू जो पड़ रही है ना भाई एस ऑप्शनल पड़ रही है हमारे भाई देहरादून में पड़ रही है भाई, वो 1090 के पड़ रही है टोटल ऑन रोड में, और उसमें सब कुछ इंक्लूड है, इंश्योरेंस वगैरह हो गया और जो सीट कवर वगैरह जो कंपनी वाले लगा के देते हैं ना भाई सारा चीज उसमें मिल रहा है। तो अपने देहरादून में तो 1090 की पड़ रही है, क्योंकि कंफ्यूजन है भाई कलर कौन सा ले, तो वेन्यू ही सही लग रही है वैसे तो। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना भाई दिख जाएगा भाई कि फाइनल हो जाएगा भाई कौन सी गाड़ी आ रही है भाई। तो बस वीडियो में बने रहना, चैनल पर नए हो मेरे दून भाई तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।